नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव और संदीप श्रीवास्तव की यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड जनपद आजमगढ़ के शाखा प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन सामाजिक दूरी के साथ आयोजित किया गया, जिसमें शाखा फूलपुर से निर्वाचित हनुमंत सिंह, शाखा फरिया से निर्वाचित वासुदेव यादव, शाखा लालगंज से निर्वाचित रामकांत राय, शाखा बुढ़नपुर से निर्वाचित तंत विजय सिंह का माल्यार्पण कर व मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए बताया कि अब आने वाले समय में गांव में बिना स्वयं सहायता समूह के गठन के किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यही केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की आत्मनिर्भर योजना एवं वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत को चरितार्थ करेगा। उन्होंने बताया कि गांव का विकास का आधार सहकारिता ही है और बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। पिछली सरकारों में सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं की मूल भावनाओं को गर्त में ले जाने का काम किया था। पुनः उनको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधि के रूप में भेजकर उसके मूल रूप में लाने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित किया व दिए गए दायित्व का अच्छी तरीके से निर्वहन करने का भरोसा जताया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री हरीश तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य व पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, क्षेत्रीय संयोजक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ ओम प्रकाश सिंह, जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष फूलचंद भारती, योगेंद्र राय, पूर्व जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, जिला मंत्री डॉक्टर शैलेंद्र यादव, सुनील सिंह डब्बू, दिलीप सिंह बघेल, संतोष गौड़, जिला कार्यालय मंत्री अजय कुमार यादव, मंडल अध्यक्षगण अनुपम पांडे, गगन कश्यप, रजनीकांत त्रिपाठी, आईटी सह प्रमुख अमन श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चा रानू राजभर, पूर्व जिला महामंत्री अवनीश राय बंटी, मंडल महामंत्री संदीप अस्थाना, अमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा शैलेश प्रजापति, गोपाल विश्वकर्मा, अनिरुद्ध पांडे, प्रमोद राजभर सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भूमि विकास बैंक, जिसको LDB बोलते हैं, ये चुनाव के लिए नामांकन हुआ था और कल पर्चा का आखिरी वापसी का समय था कल। और कल हमारे जनपद के चार शाखा जो है, उस चारों शाखाओं पर शाखा प्रतिनिधि के रूप में हमारे बुढ़नपुर, फूलपुर, फरिया और लालगंज और बुढ़नपुर के लोग तो का नामांकन ही एक ही हुआ था, लेकिन हमारे फूलपुर में और फरिया में एक एक लोगों का और नामांकन हुआ था। और उन दोनों लोगों ने कल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय मोदी जी और योगी जी से प्रभावित कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन दोनों लोगों ने कल अपना नामांकन वापस लिया, जिससे हमारे चारों डेलीगेट जो शाखा प्रतिनिधि थे, लालगंज से आदरणीय रमाकांत राय जी, फूलपुर से आदरणीय श्री हनुमंत सिंह जी, फरिया से आदरणीय वासुदेव यादव जी और बुढ़नपुर समिति से आदरणीय कंत विजय सिंह जी निर्विरोध LDB के शाखा प्रतिनिधि के रूप में लोग चुन के आए हैं। इनके निर्विरोध निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरे जनपद के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है, बधाई देती है। अब आप लोगों को भी
हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आगे जो भी बैंक से और जनता से संबंधित चीज़ों को है, जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी योगी जी की जो सोच है, सहकारिता को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लेके सरकारें आगे चल रही हैं, उसमें सहकारिता का जो योगदान है, जो हमारी सहकारिता बहुत पहले बहुत मजबूत और सशक्त होके जनता की सुविधाओं के लिए काम करती थी, वही सहकारिता विगत वर्षों में सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज सहकारिता विभाग सिसक रहा है। उसको मजबूत करने के लिए ये जो चुनाव हुआ है और ये जो निर्विरोध निर्वाचित आजमगढ़ जनपद के 7 सीट हैं, जो 4 सीटें लालगंज में आती हैं, 3 आजमगढ़ में आती हैं, ये 7 सीटों को जनता ने निर्विरोध करके ये साबित कर दिया है कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण है, जो माहौल है, जनता में जो विश्वास है, वो ये साबित करता है। इस नाते भी मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद का अध्यक्ष होने के नाते पूरे अपने जनपद के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और जो लोग नामांकन किए थे, अपना नामांकन वापस लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनको भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। आज के अवसर पर इतना ही बहुत नहीं। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जो सहकर्ता भाई भी आप बता रहे थे कि चरमराई हुई थी, तो आपके पार्टी से निर्विरोध चुने जाने पे कितना सहभाग, जो सहकर्ता है कितनी तेजी से दौड़ेगी और कितना विकास करेगी? ये जो कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी और पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो ये कार्यक्रम बन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, आप लोगों ने सुना होगा कि अपने प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि अपनी चीजों को अच्छा कहने में गर्व के साथ कहना चाहिए कि अपनी चीजें अच्छी हैं, तो उसी सहकारिता के भाव में आप लोग देखे होंगे कि जो हमारी चीजें हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को जो बढ़ावा देने की बात आती है, स्वरोजगार की जो बात आती है, स्वरोजगार कैसे डेवलप होगा, भाषण से नहीं डेवलप होगा, ये भाव जब तक सहकारिता का भाव नहीं आएगा तब तक स्वरोजगार आगे नहीं जाएगा। हमारे मनीषी आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सिद्धांत रहा, उस अंत्योदय पर आगे बढ़ते हुए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर ये सहकारिता आम जन तक पहुंचेगी। क्या नीतियां हैं विकास के लिए? उद्योगों और समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। यही अध्यक्ष जी, क्या नीतियां रखेंगे जिससे सहभागिता बहुत तेज दौड़े? नीतियां बन चुकी है। क्या वो नीतियां सरकार ने बना लिया है, आगे वो जब अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।